अच्छा नाज़रीन, अब ये देखें, एक और जगह पे पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है और ये यहाँ पे इतना अंधेरा है, यहाँ पे इतना अंधेरा है कि यहाँ पे अगर मुझे फ़र्ज़ करें रात के इस पहर, सुबह के 4:15 हो रहे हैं, इस पहर अगर रोका जाए तो मैं अगर फैमिली के साथ हूँ या अकेला भी हूँ तो मैं खुद खौफजदा हो जाऊँगा कि यार इतने अंधेरे में मुझे कौन रोक के बैठा हुआ है। और जिस अंदाज़ में इन्होंने यहाँ पर बाइक रोकी भी है, अब ये एक चौक बनता है और यहाँ पर यू टर्न है, अब जिस अंदाज़ में बाइक्स रुकी हुई हैं उससे ये यू टर्न भी ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। रात के पहर लोग गाड़ियाँ भी तेज़ चला रहे होते हैं और लोग पता नहीं किस स्पीड में आ रहे होंगे, अब उन्हें नहीं पता कि आगे एक कितना बड़ा नाका लगा हुआ है। और मैं ये शर्तियाँ कह सकता हूँ कि इनको भी नाके का इख्तियार नहीं होगा, ये मुहाफिज चल रहे होंगे, पेट्रोलिंग पे इनकी ड्यूटी होगी, लेकिन ये जगह जगह रोक के लोगों को चेक कर रहे होंगे। और अब मुझे 100% ये भी यकीन है कि इनकी बाइक की भी नंबर प्लेट पीछे नहीं लगी होंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं भाई? आपकी नेम प्लेट क्या है सर? आपकी नेम प्लेट क्या है सर? लगा लें फिर, लगा लें नेम प्लेट सर आपकी कहाँ है? भजन आपकी नेम लगा लें काइंडली। हैं, आपने लगा लिया? मैं सारी रात ना आता, आपने नाम नहीं लगाना था। वहाब भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है यार, कितने खूबसूरत आदमी है। चेकिंग करें? चेकिंग नहीं हो रहा है, कॉल थी। ये मेरे साथ स्कैम हो गया, उसके बारे में कुछ क्या स्कैम क्या हुआ आपका? हाँ बताएं बताएं, जरूर बताएं। ये देखें हमारे जवान, हमारे क्या स्कैम हुआ बताएं, ये भी चलाते हैं। इनके साथ ना स्कैम ऐसा हुआ, इन्होंने ना वन साइड कॉल की थी, ये है बाइक राइडर। अच्छा, तो ना इनको ये कॉल आई है कि ना इनका ये एक शॉर्मा ले लें आप, दो शॉर्मा लें बाइक से और ना मुझे 300 का लोड करवा दें। इनको जो कॉल आई 15 की, अच्छा, तो जनाब ने उनको जो है ना शॉर्मा भी ले लिया ये दो और 300 की जो है ना लोड भी करवा दिया जनाब वगैरह ने। फाइना की किता जे? मैं सुन तो सही नहीं, ये किता नहीं है, रूटीन के वर्क का ये हमारा। अच्छा, वो आपसे कुछ सामान? राइडर हूं ना मैं, इंड्राइव। अच्छा, का क्या किया उसने? तो राइडर पे यही होता है ना कि या सामान लेकर आ जी वहां पे हम ड्रॉप करते तो हम पेमेंट करते, हमारा किराया भी दे देते, साथ पेमेंट भी कर देते। अच्छा ठीक है, अब इसी तरह ही मेरे साहब ने लोड भी करवा लिया। तो दो शवार में तुसी लाके फेर रहे हो? तो अब दोस्त के नंबर है, हमें 15 की कॉल आई है, तो आपने 15 पे कॉल चलाई है? मैंने कॉल चलाई है। अच्छा, उन्होंने थाना लिया था, बात कनेक्ट किया उस बंदे ने, इनका रास्ता था, इन्होंने मुझे बुलाया है, वहां पे मैं चौक पे खड़ा हुआ था। तो ये यहां पे नाके पे मौजूद होंगे, तो उन्होंने कहा होगा कि इधर ही आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं आ गया, ये लोकेशन मेरे पास अवेलेबल है। आपके साथ हुआ किस वक्त है? अभी हुआ, थोड़ी देर पहले ही हुआ। और आपने 15 की कॉल कितने बजे चलाई है? अभी हो गए 10 मिनट हो गए होंगे। और किस जगह पे चलाई थी? वो मुझे तो इन्होंने कहा कि आप इधर ही आ जाए, इन्होंने बुला लिया मुझे यहाँ। अब ये आपके पास दो शवार में है? दो शवार में मेरे पास, उसका नहीं। और 300 का लोड करा दिया? हाँ जी। अब मेरे पास उसके पास दो नंबर है, अब भाईजान कह रहे हैं कि नाम क्या उसका? नाम मुझे उसका नंबर चलाएं जरा, उसने आपके साथ धोखा दिया है। ये उसका नाम आईडी है, इधर से हम निकाल रहे हैं। अच्छा क्या बेसिकली मैं आपको बताता हूं, एक मिनट मैं बताता हूं, एक मिनट ये बेहतर बता सकते हैं ना। एक मिनट भाई, बात है कि आप मेरे पास दो नंबर अवेलेबल है, आप दोनों में से ना इनके डिटेल निकालें, कह रहे आप डिटेल कंपनी से निकलवा लें। मैं कहा आप ऑथराइज पर्सन है भाई, आप निकलवाएं, मैं तो एक आम राइडर हूं, मेरा यार वैसे बेशक उसके साथ 600 रुपए का ही फ्रॉड हुआ तो है ना। अब इनका काम नहीं, सही कह रहे हैं, दो नंबर है, एक मिनट भाई आपके पास, इनकी भी सुनने देना, हमारी भी सुन ले। अभी देखिए माशाल्लाह एप्रिसिएशन ये है कि नईम भाई ने भी नाम लगवा लिया, तुम्हारे कोल थी पहले ला के रखो नंबर जो है ना, नंबर मेरी नाम हम लगा लेते हैं, ये बेसिकली जो है ना सारों का यही मसला है, किसी ने भी नहीं लगाई भी। और एक मिनट मुझे एक और चीज चेक कर लेने दें, चलें ये अच्छी चीज़ है कि इनका जो है ये वैसे गैर नमूना ही है, गैर ये आपका अपना नंबर है? जी नंबर लगा, ये 95 इसका अपना ही नंबर है। इनके नेम प्लेट नहीं थी, उनके नेम प्लेट थी, उनकी नंबर प्लेट नहीं थी। अभी इनका क्या करना है? अब 600 रुपए का। अब इनका हमने इनको ये कहा है कि भाईजान जो है ना आप अपनी कंपनी से इसका डाटा निकलवा लें और हमारे यहाँ थाना लियाकताबाद उधर जाके आप उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दें, सिंपल हल है। तो 600 रुपए दे FIR देना चाह रहे हो, एप्लीकेशन देना चाह रहे हो? बनता तो है ना, अगर मैसेज ज्यादा तो उसने की है, वो रोज इस तरह करता होगा, उसको कौन फिर पकड़ेगा? इसकी शक्ल दिखाएं, मेरे पास दो नंबर, इसकी शक्ल दिखाएं, ये उसका डाटा निकलवा सकते हैं, पिक्चर लगाई है। यार मैं चाहूंगा इसकी जरा ना क्लोज करके इसकी एक बार शक्ल दिखाई जाए और इसका नंबर भी चलाएं, ताकि इस लोकेशन है ये यार, ये ना उसका वैसे नंबर बंद हो गया हो, उससे दो नंबर है, एक कितनी देर से बंद हुआ है? अभी 10 मिनट नहीं हुए मेरे से, हो सकता है उसकी बैटरी लो होगी। हो मैंने एक बार पिज्जे का ऑर्डर दिया था, मैं देके निकल गया कहीं, उनकी कॉल्स आई भी वापस आए, मैंने कहा वो भाई वापस लेके आए, पता तो लग जाएगा ना वहाँ सही है कि गलत है, पता लेकिन फर्ज करें आप इनको पूरे लाहौर में घुमाते हैं या उसके खिलाफ? लाहौर में नहीं घुलाता, मैं कह रहा हूँ भजन बाप बात भी सुन लेना, आप उनकी भी नहीं सुन रहे थे, मेरी तो सुन ले। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 600 रुपये का नुकसान हुआ है, 600 रुपये के नुकसान पे ये पूरा लाहौर घूमते हैं, आपकी FIR भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद ये बंदा फ़ोन करके आपसे कहता है कि भाई लेके नहीं आए अभी तक, लेके नहीं आए, कहाँ झूठ बोल रहे हैं ना फिर?
मैं कह रहा हूँ कि अभी आधे घंटे बाद ये बंदा फोन ऑन करे, ये कहे कि भाईजान मेरा फोन बैटरी बंद हो गई थी और मैं पिलिंग को लेके जाऊंगा उनके पास। हाँ जी मेरे साथ ये बात हुई थी, मैंने तो 15 पे कॉल चलाई थी, जारी बात है देखे ना, मैं तो अपने राइट पे हूँ बॉस। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसका फ़ोन बंद हो गया हो तो आपने पूरे सिस्टम को भी मतलब कि आप लगा रहे हैं ना उस चीज़ पे, आधे घंटे बाद आपकी इधर से एप्लीकेशन हो जाए और उधर से वो फ़ोन उठा के कहे भाई आप कहाँ रह गए, माजरा मेरा फ़ोन बंद हो गया था। फ़ोन तो बंद हो सकता है, फिर क्या करेंगे, फिर उस पर फिर भी FIR देंगे? नहीं उसमें तो उसको पता है कितनी देर हो गई आपकी ये ऑर्डर के बाद फ़ोन बंद हुआ। नहीं मैं ये वैसे वाकई समझ नहीं, ये उसका नंबर है पहले जो उसकी कॉल आई मुझे, ये उसका ऑर्डर कितने बजे? 3:55 तो भाई ये कोई टाइम नहीं है, 3:55 पे आपको ऑर्डर आया, 4:22 पे उसका नंबर बंद है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, एन मुमकिन है फोन बंद भी हो सकता है। मैं राइड वहाँ से लेकर जब आया हूँ ना टाउनशिप से, तो मोचीपुरा में उसने राइड कैंसिल कर दी है। अच्छा राइड ही कैंसिल कर दी है जी जनाब, ये जुल्म किया है। फिर अब हम इसकी तस्वीर चलाते हैं, अब आप तस्वीर और नंबर दे दें कि आपने देखे उसे 300 रुपए का लोड करवा के ये जो नंबर है इनका, इनका डाटा निकालेंगे। एक मिनट जी फटा जाना है, ठीक है वो उसके डाटे के ऊपर से हमने जो है इसकी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। जी वैसे आम भी कंप्लेन होती है कि लोड ये छोटा क्राइम है लेकिन हो तो रहा है ना, फ्रॉड तो कर रहा है, समझदार है माशाल्लाह, एज भी देखें इसकी भाई की, इसको कम से कम ये लोड नहीं कराना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए था। चलो चीजें तो ले ली है तो बंदा कहता चलो चीजें तो बंदा खा ही लेगा यार, बच्चे खा लेंगे, इसने लोड भी करवा दिया। चले आपका तो जाहिर बात है इन्होंने करना है, आपका मसला इन्होंने हल करना है। देखे रात के इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद है। अब नईम भाई आप मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह क्या है, आप कांस्टेबल हैं, मुहाफिज हैं, क्या चल रहे हैं? मुहाफिज चल रहे हैं, तो आप पेट्रोलिंग पे हैं? जी पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग के लिए कौन से रजिस्टर्ड में ड्यूटी लगती है? रजिस्टर्ड ये हमारी बेटे होती हैं, जैसे पिंक रोड हो गया, फिरोजपुर ये बिकर मोड हो गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे हमारी जो भीड़ होती है हम अपनी, आप यहाँ पे कितनी देर से मौजूद हैं? इधर में हो गया तकरीबन आधा घंटा हो गया। तो आप तो नाका नहीं लगा सकते? नाका तो नहीं, हम चेकिंग करते हैं सचो, हम कहते हैं नाकाबंदी करेंगे, स्नैप चेकिंग, मुहाफिज स्नैप चेकिंग तो नहीं कर सकता शायद, मुझे जहाँ तक पता है आपको बताते हैं हम ना, ये बेसिकली ना वारदात के तहत जब कोई वारदात वगैरह हो जाए ना कहीं पे, तो फिर हमें कहा जाता है कि आप उससे अगले पॉइंट पे जाके ना आप स्नैप चेकिंग शुरू कर दें, ताकि हम वो वारदात को पकड़। अच्छा एक बात जो मुझे बताई गई थी कि जो नाका वो कम से कम सब इंस्पेक्टर मौजूद है, उसके बगैर नहीं लग सकता, तो आप यहाँ पे नाका लगा के खड़े हुए थे क्या? स्नैपचेकिंग कर रहे थे हम, मुआफ़ी जो चल रहा होता है वो स्नैप चेकिंग कर सकते हैं। अच्छा आप मुझे बताएं कि मैं आज जो प्रोग्राम कर रहा हूँ हम आईजी पंजाब साहब के लिए कर रहे हैं, और हम ये दिखा रहे हैं, हमने आपके पास पहले नहीं, हम 2-3 नाकों पे और भी मुख्तलिफ भाई भाइयों से मिलके आए, आप रात के इस टाइम अगर अपने बच्चों की रोटी हलाल करने के लिए यहाँ खड़े हैं ना, सुबह 4 ये दिन चढ़ने लगा है, फजर होने वाली है, फजर से पहले ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप यहाँ पे खड़े हैं तो मुझे खुशी है कि आप रात के इस पहर भी मेरे तहफ़ के लिए खड़े हैं। भाई क्या ख्याल है, मुझे बताएं कि मेरे तहफ़ के लिए जब आप खड़े होते हैं तो अपना नेम प्लेट क्यों नहीं लगाते? सर हमारी नेम प्लेट जब भी आप इंशाल्लाह चेक करेंगे हमारे सीने पे मौजूद है। नहीं मैं आया नहीं थी, मेरी बात सुने, दो नंबर ही करनी नहीं है, दो जिन्हें फिर ये क्यों नहीं लगी होती? अभी क्यों नहीं लगी हुई थी? मैं ना आता तो आप ये लगी रहने देते? नहीं नहीं ये लगी रहनी है, इधर ही लगी रहनी है। मैं अगर अभी ना आता तो आपने कब कब जाके लगानी थी? आप मतलब आपकी किस टाइम ड्यूटी, कितने ड्यूटी तो हमारी होती है 6 से 6 थाने में, शाम 6 से रात की जो शिफ्ट होती है शाम 6 से सुबह 6 तक, मतलब कि आपको 10 घंटे हो गए आपका नेम प्लेट नहीं लगा? मेरी नेम प्लेट मौजूद है मेरे नेम पे, जब मैं आया हूँ तब क्यों नहीं थी? जब बाइक हम चलाते हैं ना तब उतार लेते हैं, आपको ये पता है ना कि आईजी साहब ने कितने सख्त ऑर्डर दिए हैं कि नेम प्लेट लगी कितनी जरूरी है, बिल्कुल वो हमें ऐसे ही है ना, वो इस्त्री करते हैं ना तो वो पीछे से जो चेपी हो जाती है, ये देखें अभी भी लगाई है लेकिन ये सही नहीं लगी। अच्छा ये गिर जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों की 12 घंटे ड्यूटी होती है, लंबी ड्यूटी है। नाज़रीन देखें अगर ये तो मेरे तहफ़ुज़ के लिए खड़े हैं तो मैं इनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ।